जीवन उत्साह न्यूज की आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चुनावी साल में गांव चले हिमाचल सरकार 20,000 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाने की तैयारी। चुनावी वर्ष में हिमाचल प्रदेश सरकार ने गांवों पर फोकस कर दिया है। हिमाचल सरकार ने प्रदेश में 1,00,000 और सोलर स्ट्रीट लाइटों को लगाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। केंद्र से मंजूरी मिलते ही इन लाइटों को लगाने के लिए भी कंपनियों की चयन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कंपनियों का चयन होते ही 15 अगस्त के बाद लाइटों का आवंटन शुरू हो जाएगा। 7 वॉट की एक स्ट्रीट लाइट की कीमत करीब 11,000 रुपए होगी, जिसके लिए 2,750 रुपए ग्रामीणों को चुकाने होंगे। हिमाचल में बागवानी योजनाओं में 50% लक्ष्य भी नहीं हुआ पूरा। हिमाचल में बागवानी योजनाओं में 50% लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ है। लेखा परीक्षा विभाग ने बागवानी योजनाओं के क्रियान्वयन पर विभागीय अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर कड़ी आपत्तियां जताई है। बागवानी विकास की योजनाओं के तहत किए काम पर सवाल उठाए हैं। इन अधिकारियों से कहा गया है कि योजनाओं के 100% लक्ष्य को हासिल किया या जाए और धनराशि को नियमों के तहत व्यय करें। अगर इस दिशा में कोई कोताही होती है तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय होगी। श्रावण अष्टमी मेलों के लिए रंग बिरंगी फूलों और लाइटों के साथ सजा मां नैना देवी का दरबार। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में श्रावण अष्टमी मेले, जो कि 29 जुलाई से शुरू हो रही है, उनकी तैयारियां प्रशासन तथा पंजाब की समाज सेवी संस्थाओं द्वारा जोर शोर से शुरू कर दी गई है, जिसके चलते पूरे मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। सजावट का कार्य कर रहे कारीगरों द्वारा मंदिर को बहुत ही भव्य रूप से सजाया जा रहा है, जिससे मंदिर की शोभा और भी बढ़ गई है। हिमाचल में कोरोना वायरस के 719 नए मरीज, सक्रिय मामले 4,000 के पार। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 719 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सोमवार को प्रदेश में 4,241 लोगों के सैंपल कोरोना की जांच को लिए गए थे। कोरोना से किसी मरीज की मौत की सूचना नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार सोमवार को कुल 617 मरीजों ने कोरोना को मात दी। राज्य में अब कुल 4,155 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। राज्य के अस्पतालों में कुल 65 एक्टिव केस दिखाए दाखिल है। पुलिस जांच में बड़ा खुलासा, शिष्य ने ही रची थी बाबा शिव नारायण की हत्या की साजिश। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के कोटखाई थाना क्षेत्र से किडनैप हुए बाबा शिव नारायण पुरी की हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। अपहरण और हत्या करने की साजिश बाबा के शिष्य रविंद्र आत्मानंद पुरी ने रची थी। एसपी डॉक्टर मोनिका ने यह खुलासा सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में किया। बताया कि मामला पैसों के लेन देन से जुड़ा हुआ था। मुख्य आरोपी 15 सालों से बाबा के साथ रह रहा था। बाबा के बैंक खातों से 10 लाख रुपए निकाले गए, इसमें 6 लाख नकदी बरामद कर ली है। विजय दिवस पर शहीदों को याद कर रहा भारत, शिमला में कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कारगिल वीरों को किया सम्मानित। देश भर में आज के दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 26 जुलाई को वीरगति को प्राप्त होने वाले वीर सपूतों को याद करते हुए विजय दिवस मनाया जाता है। राजधानी शिमला में भी विजय दिवस के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश सरकार में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में कारगिल युद्ध में जीत दिलाने वाले वीरों और शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। इस दौरान सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हर साल इस खास दिन पर वीरों को याद किया जाता है। ईडी के सामने फिर पेश होगी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। देश भर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर रही कांग्रेस। नेशनल हेराल्ड केस मामले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए तलब किया है। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर में केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। ईडी में हो रही सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस पार्टी देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठकर मौन प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस पार्टी मुद्दाविहीन बेवजह मुद्दे खड़े करती है कांग्रेस, रामलाल मारकंडा। हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने कांग्रेस पार्टी को मुद्दाविहीन करार दिया है। रामलाल मारकंडा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है और ऐसे में जबरन मुद्दों को जन्म देने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर रामलाल मारकंडे ने कहा कि कांग्रेस अटल टनल को लेकर श्रेय लेने की कोशिश करती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि साल 2000 में 26 मई के दिन देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने टनल का शिलान्यास किया था। रक्तदान कर रोटरी क्लब ने दी कारगिल शहीदों को दी श्रद्धांजलि। देश भर में आज कारगिल शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रदेश भर में भी कारगिल विजय दिवस पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी शिमला में रोटरी क्लब द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहाँ शहर भर के लोगों ने रक्तदान कर शहीदों की श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पूर्व पार्षद इंद्रजीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में
शिरकत की और रोटरी क्लब द्वारा कारगिल विजय दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन करने की सराहना की। हिमाचल में 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट, पर्यटकों को नदी नालों के पास न जाने की हिदायत। हिमाचल प्रदेश कई भागों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में लगातार 4 दिनों तक भारी बारिश का ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया है। 27 से 30 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट है। विभाग के अनुसार 28 जुलाई से ताजा पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव हिमाचल में भी देखने को मिलेगा। 28 व 29 जुलाई के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। पूरे प्रदेश में 1 अगस्त तक मौसम खराब बना रहने की संभावना है।